मैं माधव गुजरात अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कॉमन सा सवाल जो आप पूरे फर्स्ट ईयर की तरफ से ये पूछे जाने वाले, ये मैक्सिमम बच्चों से पूछे जाने वाला यही सवाल है। सवाल क्या है? तो सवाल कुछ ऐसा है कि सर समझ में तो सब चीज़ आता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। जाहिर सी बात है सर, इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं और हमको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना है। तो हमारा कुछ वीडियो का टॉपिक ऐसा है, हाउ टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे कि सर राइटिंग स्किल कैसे सुधारें, इंग्लिश टूटा फूटा लिख पाते हैं सर, बहुत दिक्कतें आती हैं, समझ में तो आ जाता है, वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब से लेकिन लिख नहीं पाते हैं इंग्लिश में, और हम लोग के जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं सब सब्जेक्टिव पैटर्न पे ही होने हैं, तो सर हम कैसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में उसी टॉपिक पे ही बात होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने जब एक प्रोफेशन चुना और चुनने के बाद से जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो आप घर से बाहर निकले, किस लिए? कोशिश करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। और आप जब कॉलेज में आते हैं तो आपको क्लासरूम में जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है, जो भी नई नई बातें बताई जाती है, तो आपको समझ में आने लगता है लेकिन आप लिख नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने तो अपना प्रोफेशन चूज़ कर लिया कि हमको बी फार्म करना है, डी फार्म करना है, या फिर अपने एक प्रोफेशन लेवल नर्सिंग करना, जो भी आपने चूज़ तो कर लिया। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको किस मकाम से चढ़ के वहाँ पर जाना है ये आपको तय करना है। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी रास्ते में, अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो सारी दिक्कतें से गुजर के आपको जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मैं भी आपको बता दूँ, मैं भी मतलब कि शुरू में तो सारे बच्चों के साथ यही दिक्कत आता है। मैक्सिमम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जिनसे पढ़ के आने वाले बच्चे के साथ ही ज़्यादातर यही दिक्कतें आती हैं कि इंग्लिश में कैसे लिखें। तो आपको क्या करना है, एक कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे तभी तो सीखेंगे, नहीं करेंगे तो कहाँ से सीखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अब जैसे कि एक ऐसा भी वक्त था आपको चलना नहीं आता था, याद है कि नहीं? वो दिन बचपन के दिन थे हमारे जब हमको चलना नहीं आता था, लेकिन आज हम दौड़ भी रहे हैं। चीज़ों को नोटिस कीजिए, आपको कलम तक पकड़ना नहीं आता था, आज आप लिख भी रहे हैं। आपको बोलना तक नहीं आता था, आप लोगों को समझा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे ही कोई चीज़ जो है हम उसको सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी पहली बार जो भी क्लासरूम में पढ़ाई जा रही हो, जो भी चीज़ बताई जा रही हो, आप क्या करें, अपनी भाषा में लिखें, हिंदी में ही लिखें कि आपको समझ में क्या आया। आप सर टेंस भी पढ़ लिया हम लेकिन उसको कैसे अप्लाई करें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा। तो आप जो है टेंस पढ़ने के बाद से ता है, ती है, ते है, ये वाक्य ऐसा करके कुछ बनाएं, रहा है, रही है, रहे हैं, हो चुका है, चुकी है, करना ही है, तो ये सब आप जो है ऐसे वाक्य जो है बनाएं, जैसे कि लिखे कि जैसे कि हम लोग हर्ट्स के बारे में ही पढ़ते हैं तो उसमें मैक्सिमम बात हम मतलब कि ता है तीहे पे ही करते हैं, जैसे कि यहाँ से ब्लड वहाँ जाता है, वहाँ से ब्लड यहाँ आता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस लग रहा है, आप उसको धीरे धीरे कहाँ पर भव का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये आप लोगों को कब पता चलेगा, जब तक पढ़ेंगे नहीं। और दिक्कतें उन्हीं के साथ आएंगी जो कोशिश करेंगे। एक बात याद रहे, दिक्कत उन्हीं के साथ आती है जो कोशिश करते हैं, जो कोशिश नहीं करते हैं उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग क्या करेंगे, अपने भाषा में उसको लिख लिए, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। अब जहाँ भी मिस्टेक्स आए उसके लिए आपके फैकल्टीज हैं, यहाँ तक कि आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं,
तो आप जो है उस चीजों को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेंगे, और जो टॉपिक्स ना समझ में आए उसको सर कैसे समझे, डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा होगा। तो देखिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़े, कोई भी टॉपिक पढ़े, तो उसमें जितने भी वर्ड्स मिलेंगे आपको नए नए, उन सबको क्या करना है, डिक्शनरी उठाना है। आजकल तो गूगल ट्रांसलेट है, आप ऑनलाइन डिक्शनरी सर्च कर भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस वर्ड्स का मीनिंग पता कर लेना है कि इस वर्ड्स का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, और जहाँ पर है अगर बुक में जिस लाइन पर लिखा हुआ है वो वर्ड, उस वर्ड को वहीं सर्किल करके और उसका मीनिंग वहीं पर लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब भी उस वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आप उसके मीनिंग को मेमोराइज करेंगे, रिमेम्बर करेंगे कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है और ये हमने याद रखा है। अब वो वर्ड्स जहां जहां मिलेगा आपको, तो आप जो है उसको बार बार याद रखेंगे। समझ में आ रही है बातें को? तो आपको क्या करना है, एक सबसे पहले जो भी चीज समझ में आ रही हो अपने भाषा में लिखना है, और अपने भाषा में लिखने के बाद से उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में हो सकता है कि हम ग्रामेटिकली बहुत सारे मिस्टेक्स करें, लेकिन अगर हम ये मिस्टेक्स अभी नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। जब एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे तो जाहिर सी बात है नंबर कटेंगे। जो गलती पहले करने वाली है बाद में होने वाली है, वो उसको पहले कर लें और उसको सुधार लें। सुधारने के लिए आपकी फैकल्टीज हैं, आप जो है कोशिश करिए, और कोशिश करने के बाद से फैकल्टी के पास जाएं, मेरे पास आएं, और ये कहें कि सर मैंने ये चीज़ कोशिश किया है, सर देख लीजिए इसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक है। उस मिस्टेक्स को आप कभी नहीं भूलेंगे जो खुद खुद सुधारा गया है। आप अपनी कमी को अगर खुद पकड़ेंगे तो आप उस कमी को दोबारा से रिपीट नहीं होने देंगे, इतना गारंटी दे रहे हैं। और रोज का काम रोज, अगर रोज का काम रोज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका कोई भी टॉपिक्स, कोई भी चीज का बर्डन नहीं बनेगा कि इतनी ज्यादा सिलेबस है, इतना ज्यादा ये पढ़ना है, इतना ज्यादा वो पढ़ना है। जो चीजें आज समझनी है उस चीजों को हम कल पे ना छोड़े कभी भी, भले आज थोड़ा हिस्सा ही समझे लेकिन उसको कल पे कभी भी ना छोड़े। आपको क्या करना है, रोज का काम रोज, ठीक है, और एक रूटीन बनाए। एक रूटीन बनाएंगे, रूटीन में क्या होगा मेंशन कि इतना से इतना समय तक हम आप 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन इफेक्टिव वे में पढ़े। आप मेहनत जो भी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, एक्स्ट्रा नॉलेज ले जरूरी है, लेकिन आपको वो नॉलेज से क्या ही मतलब जिससे कोई सवाल ना पूछा जाए। अगर आपको कम समय में ज्यादा नॉलेज एक्वायर करना है, ज्यादा स्कोर्स करना है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, और सिलेबस के बाहर पढ़ेंगे समय बचने पर ही पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक रूटीन बनाएंगे, और रूटीन में ये चीज मेंशन कीजिए कि हमको 1-1 घंटा सारे सब्जेक्ट को देना है, या फिर आपको दिन भर में मान के चलिए 1 घंटा समय मिल रहा है, तो आप जो 1 घंटा समय देंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर देंगे। और मान के चलिए कि आपको वो सब्जेक्ट सबसे बोरिंग लग रहा हो, तो बोरिंग लग रहा हो तो आप उसके 2 यूनिट पढ़िए, फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा पार्ट, सेकेंड यूनिट में थोड़ा सा पार्ट, ऐसे आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। क्लियर है? अब ये 1 घंटा तो एक दिन का हो गया, अब दूसरे दिन क्या करेंगे, वही 1 घंटा सब्जेक्ट क्या रहेगा, चेंज रहेगा। क्लियर है? तो ऐसे आपको 2 घंटा समय मिल रहा है, तो आप 2 घंटा ही पढ़े लेकिन 1-1 घंटा जो है अलग अलग सब्जेक्ट को दे। क्लियर है बात को? और सारे सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज ही दे, और कोशिश ये करनी है आपको, कोशिश जो भी चीज लिख रहे हैं वो किसी सीनियर से, किसी फैकल्टी से भेज करके, कंसल्ट करके, मिल करके ये बात क्लियर कर ले। अपने फायदे के लिए सबसे दोस्ती बनता है, ये बात याद रखिए। जैसे कि आपके बैच में ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, कहाँ CBSE बोर्ड से पढ़ के आए हैं, ICSE बोर्ड से पढ़ के आए हैं, तो आप लोग उनसे दोस्ती कीजिए।
दोस्ती करने के बाद आप क्या करेंगे कि उनसे इस बात हो सकता है कि वो आप उससे ज्यादा जानते हो लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, तो आप उसके पास जाए कहेंगे देखो भाई मैंने ये लिखा है जरा देख लो इसमें कहाँ मिस्टेक हुआ है जरा बता दो, हो सकता है वो ज़्यादा बन रहे हों, नहीं बताएंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, हमको क्या करना है, अपना काम निकलवाना है तो थोड़ा बहुत तो बनता ही है। हम उनसे क्या करेंगे, हो सकता है कि वो बोले कि हाँ ठीक है यार बार बार हमसे मत पूछा करो, लेकिन एक बात याद रखिए नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, नॉलेज बांटेंगे तभी बढ़ेगा, अगर आप उसको सोचें कि हम पढ़ के अपने तक ही सीमित रखें तो ये आपकी गलतफहमी है, खुशफहमी है कि आप अपने तक ही उस बातों को रख रहे हैं। आप अगर अपने तक ही उस बात को रखेंगे तो आप कभी भी उस चीज को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, बात समझ में आ रही है आपको, तो आप उनसे मिल करके आप ये अपने फायदे के लिए दोस्त बनाए, नए नए दोस्त मिलते हैं आपको यूट्यूब फेसबुक इधर उधर से कहीं से भी आपको जो भी दोस्त मिल रहे हैं उनसे ये पूछो कि भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या है आपका राइटिंग, क्या है आपको ये इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, थोड़ा बहुत आप उनसे भी दोस्ती करें। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं फेसबुक वगैरह पर और टेलीग्राम वगैरह पर, तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो खुद मदद करते हैं मेरी, नोट्स वगैरह भेजते हैं, मैं भी भेजता हूँ, और बहुत सारी बातें जो हैं दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है एक दूसरे से शेयर हो जाती हैं, तो आप भी कोशिश ये करेंगे रोज का काम रोज करेंगे और अच्छे दोस्त बनाएंगे। कोई भी रिलेशनशिप या फिर कोई भी फ्रेंडशिप उस बेस पे होता है जिससे म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, एक दूसरे को फायदा होना बहुत ज़रूरी है, बात समझ में आ रही है आपको, तो आप लोग कोई भी किसी से दोस्ती करें और अच्छा रिलेशन हमेशा बनाए रखें, हमेशा सुख दुख में उसके काम आए, तो आप जो है उनके जो है उनसे अपना नॉलेज को शेयर कीजिए, और कोशिश आपको यही करनी है कि अपना बेस्ट दे, जब हम अपना बेस्ट देंगे तो ही पता चलेगा कि अपना बेस्ट देने के बाद से कितना नंबर आ रहा है, जो भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं उसको आंख बंद करके न्यूमराइज करें, याद करें कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, जो एग्जामिनेशन हॉल में मेरे साथ सिचुएशन क्रिएट्स होते हैं वहाँ पर हमको याद सारी चीज़ें रहती हैं लेकिन सामने किताब नहीं रहता, सामने जब किताब नहीं रहता तो हम लोग उसको सोचते हैं कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, तो वहाँ पर तो हम सोच लेते हैं और सोच के जो आता है समझ में आता है वो लिख देते हैं, क्या पता वो सही है गलत है ये चीज़ को हम नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन वही सिचुएशन आप अपने यहाँ घर में बैठ करके हॉस्टल में बैठ करके क्लासरूम में बैठ करके वही सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि हमने एग्जामिनेशन हॉल में हमने बैठ गए और वो चीज़ को आप एग्जाम में आया है याद तो किए लेकिन आप लिख नहीं पा रहे, तो जो भी समझ में आ रहा पहले लिखिए, फिर उसके बाद से आप सेल्फ इवैल्यूएट करें, खुद को इम्प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा, आप क्या करेंगे कि उस चीज़ को पढ़ेंगे कि हाँ यार, फिर किताब से उसको मैच करेंगे कि हाँ यार मैंने यहाँ यहाँ पर ये चीज़ छोड़ दिया था और ये चीज़ गलती कर दी है, कोई भी देखता तो इसे काट देता, बात समझ में आ रही है, तो आप खुद की गलती को जब सुधारना स्टार्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है आप वो दिन भी दूर नहीं जब आप एक अच्छा स्टूडेंट बन जाए, टॉप करना ये मकसद नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है कभी भी, जो बच्चा अपने आप को मतलब कि अपना बेस्ट देने का कोशिश करेगा हर वक्त वही बच्चा इम्प्रूव कर पाएगा खुद को, अपनी गलतियाँ हो सकती है इस सेमेस्टर में हम अच्छा कर गए अगले सेमेस्टर में अच्छा नहीं कर पाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल फेलियर हो गए, नहीं, आपने वहाँ पर भी अपना बेस्ट दिया था और यहाँ पर भी बेस्ट दिया है, बात समझ में आ रही है, तो आपको क्या करना है हमेशा अपना बेस्ट देना है, कोशिश हर वक्त करनी है, जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आए उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें बने रहें,
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।